गलत तफसीर है। मोहम्मद असद की कुरान ट्रांसलेशन की कॉपी थी। एक बहुत फेमस इंग्लिश में ट्रांसलेटर है और कॉमेंटेटर है। मैं आपको गलत क्यों बता रहा हूँ, बोले गलत क्यों बता रहे हैं आप, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले गलत चीजें हैं दुनिया में। बाज लोग एक खुशफहमी में होते हैं कुरान का ट्रांसलेशन, बस कोई भी ऐप डाउनलोड करो, बस ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू कर दो। तो यहां पर एक फैक्ट ये है कि बहुत सारी गलत चीजें इसमें लोगों में होती है। तो फर्स्ट थिंग ये है, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं मोहम्मद असद की। मोहम्मद असद ने ये कहा है, एक मिसाल, गलत चीज को समझना देखना जरूरी है, कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो आता है ना, बर्रफाहुल्लाहु इलैहि, बोले नहीं नहीं उठाए नहीं गए। उनका ये मानना है कि कोई मौजजा नहीं हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा उठाए नहीं गए, उनका इंतकाल हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर फटा नहीं था, सूरे फील में जो परिंदे आकर उन्होंने जो अब्राहा की फौज को अटैक किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब ये मिरेकल्स को डिनाय करते हैं और भी कई चीजें, जिनों का कहते हैं कि जिन जो है लेजेंड्स है और जिनों की को डिनाय डिनायल है। तो ऐसे होता है बाज। आप ये देखिए अब्दुल्ला यूसुफ अली ने कई चीजें, जैसे अर्श का ट्रांसलेशन ये किया थ्रोन ऑफ अथॉरिटी, और कई चीजें जैसे सूद का डिनायल कि सूद हराम है, बोले कि नहीं ये नॉर्मल सूद हराम नहीं है। कॉमेंट्री में मैं बात क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो फॉर्मूला जो हमने सीखा ना 5 पॉइंट का, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो लोगों में कॉमन हुई। अब्दुल्ला यूसुफ अली की यहाँ पे फोटो मुझे सही नहीं दिख रही, लेकिन पावर पॉइंट आपको जो मिलेगी उसमें सही होगी इंशाल्लाह। उसी तरह बुरूज को जोडियाकल साइंस ट्रांसलेट करना और जन्नत और जहन्नम को एक मुहावरे की तरह बताना, उसी तरह जिन्स का मतलब क्या है, बोले जिन क्या है, अजनबी लोग होते हैं वो जिन। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दीन है, इसके अंदर इख्तियार नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी बोले। एक और मिसाल सूरह कहफ की मिसाल है, आप ये देखिए, मैं एक उर्दू ट्रांसलेशन, दो इंग्लिश लिया दो उर्दू ले रहा, आप ये एक तो कुरान का तर्जुमा बहुत पॉपुलर है, आप ये देखिए, कुले नमा ना बशर मिथलुकुम, कहो कह दीजिए मैं एक इंसान हूं तुम्हारी तरह। तो अब उसका तर्जुमा क्या किया गया, तो फरमा जाहिरी सूरत, सूरत बशरी में, तो मैं तुम जैसा हूं जाहिरी सूरत बशरी में, नहीं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड देख लीजिए, यहाँ पे कहीं नहीं है जाहिरी सूरत बशरी में मैं तुम जैसा हूं। और आप देखिए ट्रांसलेशन क्या है, वर्ड क्या है, ये जो ट्रांसलेशन है कुरान का आप जो देख रहे हैं कंजुल ईमान, सारे शिरकिया अकीदों को कुरान से जस्टिफाई किया गया। एक मिसाल है हमारे समझने के लिए कि फॉर्मूला को तोड़कर आयतों में क्या दूसरी आयतें समझा रही है, हदीसों में क्या समझाया गया, सहाबा ने क्या समझा, वो करने की जगह इस तरह से अपने पर्सनल अकायद को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह यहाँ एक और मिसाल आप देख रहे हैं कि कुल इन्नमा बशरु मिथलुकुम, एक मिसाल से आपको आइडिया लगेगी। ये मशहूर ताहिरुल कादरी, उनका कुरान का तर्जुमा है, उसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, ये आयत है, ये आप देखिए उनके सामने, ये सामने आप देखिए कि आयत क्या है और लिखा क्या गया है, तर्जुमा क्या है। आप देखिए कि बखलते खलकते जाहिरी, ये जो ब्रैकेट्स है ये सब कुछ नहीं मानते। हाँ, तो ये एक मिसाल, एक और मैं मिसाल दे रहा हूँ मोहम्मद अब्दुह की। मोहम्मद अब्दुह जो फ्री मेसन था और अरबिक के अंदर जो कुरान का तर्जुमा किया, ही सैद तफसीर जो लिखी, उन्होंने कहा कि मैं एक रूल है कि मैं कुछ भी नहीं देखूंगा कौन सी तफसीर में क्या आया है, सहाबा की तफसीर में क्या आया है, पास में तफसीरों में क्या क्या है, खुद अपने दिमाग से तफसीर बना के लिखूंगा, ये रूल बनाया। इसी वजह से मौजजों का डिनायल के मौजजे नाम की कोई चीज नहीं है, जिन्हों का इनकार और बहुत सारे सुपर ओवर इंटेलेक्चुअल चीजें जहां अकल को कुरान हदीस के ऊपर रख दिया जाए, ऐसी कई चीजें तर्जुमे में पाई जाती है। एक और मिसाल नेशन ऑफ इस्लाम की। नेशन ऑफ इस्लाम ने द मिलियन मार्च किया, द मिलियन मार्च, आई थिंक मैं एक बार जो इन्होंने किया द नेशन ऑफ इस्लाम। अब नेशन ऑफ इस्लाम ने कुरान की इस आयत से ये समझा, और ये मैंने बता चुका हूँ माजी में, जुर्का जो कुरान की आयत में आया कि मुजरिमीन जुर्का होगी, उनकी आंखें नीली होगी, इससे उन्होंने कहा है कि इससे मतलब ये है कि जो मुजरिमीन जो है गुनहगार वाइट है, ब्लू नीली होगी उनकी आंखें, नीली आंखें किसकी होती है, वाइट की होती है। उन्होंने कहा सब ये गोरी चमड़े वाले सब जहन्नम जाने वाले। कहां से समझा, कुरान से दिख रहे हैं आप क्या क्या होता है कुरान के नाम में, अल्लाह मुस्तान, अल्लाह की पनाह। एक वायरल वीडियो है जिसके अंदर सूरह 3 से ये मीनिंग निकाले हैं, देख रहे हैं आप, 500,000 के करीब व्यूज थे उसके, ये मीनिंग निकाले कि सूरह 3 में दलील है कि आदम अलैहिस्सलाम के अब्बा बंदर थे,
आदम इस्लाम बंदरों की फैमिली में से पहले इंसान थे, लेकिन उनके बाप दादा सब बंदर। तो ये इस टाइप की बात कहना ये अफसोस की बात है। चलो अभी ये सब गलत बताने के बाद मैं आपको सिर्फ चंद सही मिसालें बताना चाहता हूँ। उर्दू तर्जुमों में मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आप सबको मैं इंकरेज करता हूँ, तफसीर इब्न कसीर बेस्ट तफसीर, बेस्ट तफसीर उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में मौजूद है। और इसकी खासियत यह है कि आयतें हदीसें सलफ के अकवाल, मतलब जो आपने फॉर्मूला देखा ना बिल्कुल फॉर्मूला उन्होंने फॉलो किया है। बहुत सारी हदीसें इमाम इब्न कसीर ने क्या किया, एक्चुअली हदीसें जब जमा की तो उन्होंने उस मौजू पर कौन सी हदीस जमा की विद सनद। शेख सफीउर रहमान मुबारकपुरी ने एक बहुत अच्छा काम किया जो दारुसलाम ने टीम सेटअप की, उन्होंने तफसीर इब्न कसीर में से अवाम के लिए सिर्फ सही हदीसें सिलेक्ट करके रखा। देखिए यहाँ कायदा क्या है ना, मन असनदा फकत बरिया। इमाम इब्न कसीर क्या कर रहे थे ना, हदीसें जमा कर रहे थे कि ये हदीस में क्या क्या मिलता है, सही ज़ईफ क्या मिलता है, सब जमा किया। पहले सही हदीसें जिक्र करते फिर बाद में ज़ईफ हदीसों को भी जिक्र करते। शेख सफीउर रहमान ने जो दारुसलाम की टीम ने क्या किया, ज़ईफ हदीसों को निकाल करके सिर्फ सही हदीसें रखी है ताकि आम आदमी के लिए आसान हो जाए। ये उम्महातुल तफासीर में काउंट किया जाता है, द बेस्ट अमंग द बेस्ट तफसीर। एक्चुअली अरबिक में देखें तो तफसीर तबरी को हाईएस्ट लेवल रखा जाता है, लेकिन जो उर्दू में अवेलेबल है, जो इंग्लिश में अवेलेबल है, उसमें बेस्ट तफसीर है। अहसनुल बयान, अहसनुल बयान जिनका जो शेख हाफिज सलाउद्दीन यूसुफ का पिछले दिनों में इंतकाल हुआ है, ये कोरोना सीजन में इंतकाल हुआ है उनका, उन्होंने अहसनुल बयान जो लिखी अल्हम्दुलिल्लाह एक आम फहम तर्जुमा मुख्तसर बेहतरीन, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो मसाइल होते हैं ना वो उसमें बहुत डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस हुए हैं। एक्चुअली उन्होंने अहसनुल बयान ये जो है आप देखते हैं जो फेमस है ये मुख्तसर वाला है, इसका जो असल जो है ना डिटेल्ड वाला वो लिख रहे थे, उसके करीब करीब एंडिंग से कुछ करीब ही पहुंचे थे तो उससे पहले उनका इंतकाल हो गया खत्म करने से पहले, लेकिन जितना उन्होंने लिखा है वो छपके आने वाला है उम्मीद है बहुत जल्द, तो वो भी है। तीसरी तफसीर असादी, तफसीर असादी इमाम जो हम देखते हैं शेख अब्दुल रहमान असादी, ये सऊदी में कसीम इलाके में रहने वाले एक आलिम है जिनका तकरीबन 60s में 1950 से 60 के बीच में कभी इंतकाल हुआ है। शेख इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह के उस्ताद रह चुके हैं, उनके मोर देन 40 फेमस स्टूडेंट्स हैं। तो तफसीर असादी इज वन ऑफ द बेस्ट तफसीर अवेलेबल, उर्दू में 3 volumes में है, सॉरी उर्दू में 5 volumes में है और इंग्लिश के अंदर 10 volumes में है। हाँ तफसीर उर्दू में 3 volumes में है, एक्चुअली हमारे इसके अंदर नहीं डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपरली फॉर सम रीजन, इंग्लिश वालों में ये बराबर दिख रहा है, आपको पीपीटी मिलेगी उसमें दिखेगा बराबर। तो तफसीर असादी में 3 volumes है और इंग्लिश में 10 volumes है। फिर एक बहुत बेहतरीन तफसीर शेख अब्दुल रहमान कीलानी की तफसीर तहसीरुल कुरान, तहसीरुल कुरान 4 जिल्दों में है। ये वो तफसीर है जिसमें आपको भरपूर इब्न कसीर के बाद अगर कहेंगे सबसे ज्यादा हदीसें फिक्ही डिस्कशन आपको इसमें मिलेगा, सलफ के अकवाल मसाइल में उनके कुरान की आयतों में क्या मसाइल है, उससे फवायद क्या है वो जिक्र है। और इसके अंदर एक बहुत यानी क्योंकि अभी तकरीबन 20 साल पहले लिखी गई है, तो 20 साल पहले उनका इंतकाल हुआ तकरीबन शेख अब्दुल रहमान कीलानी का, तकरीबन 20 साल पुरानी तफसीर है। हम ये देखते हैं कि उन्होंने करंट जमाने के अंदर जो बातिल अकायद है उसका जवाब दिया है, और कुछ जो हम देखते हैं कि मगरबी तहजीब का जो असर, जो वेस्टर्न कल्चर का असर है, जो वेस्टर्न इसका असर है, उसका रद्द भी किया है। इसके अंदर कुरान की साइंटिफिक मिरेकल्स भी आपको मिल जाएंगे। हाँ ऐसी कई सारी चीजें असर हाजिर के फितनों का भी इसमें जवाब मौजूद है। हाँ तो तहसीरुर रहमान अगली तफसीर जो शेख लुकमान सलफी दुक्तूर लुकमान सलफी की तफसीर है, आसान फहम तर्जुमा 1 जिल्द में है ये, और अहसनुल बयान भी 1 जिल्द है, ये भी 1 जिल्द है, और सूरतों की फजीलत ज़माने नुज़ूल के ताल्लुक से और पुरानी सलफी तफसीरों से भी उन्होंने इस्तिफादा किया है, सही हदीसें भी जिक्र की, ये भी एक अच्छी तफसीर है। इसके अलावा आप देखिए अभी करंट एक प्रोजेक्ट जो जस्ट लॉन्च हुआ है, करंट आई थिंक 1 साल पहले का है, जो जामिया मोहम्मदिया मालेगांव के उस्ताद असातिज़ा तदब्बुर वल अमल के नाम से, अल कुरान तदब्बुर वल अमल के नाम से ये तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह लाए हैं, और ये एक बहुत बेहतरीन तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुई, इससे कई लोगों ने प्रेस किया है, और बस अभी मार्केट में बहुत वाइडली अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन एक तफसीर आई। तफसीर सनाई शेख सनाउल्लाह अमृतसरी जो हैं, जो मुनाजिर थे, उन्होंने उस जमाने के अंदर जो पीरियड में है वो थे, वो पीरियड के अंदर आर्य समाज वालों से डिबेट किया था, क्रिश्चियन मिशनरी से डिबेट किया था, बातिल फिरकों से डिबेट किया था, मुनाजिर डिबेटर, इसीलिए जैसे उनकी तफसीर के अंदर आपको कादियानों का रद्द मिलेगा और जो मुखालिफिन इस्लाम के एतराजात के जवाब मिलेंगे। 36 years में तफसीर लिखी गई थी, 1895 में पहली जिल्द आई और 1931 में जाकर 8वीं जिल्द आई, 8 जिल्दों में तफसीर है। ये भी सॉफ्ट कॉपी सब ये सब की अवेलेबल है, आपको मैं नाम दे रहा हूँ, आप इसको सॉफ्ट कॉपीज डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तर्जुमानुल कुरान जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की तफसीर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की तफसीर है 3 जिल्दों में, हाँ 3 जिल्दों में डिटेल तफसीर है। इन्होंने फिक्री मसाइल ज्यादा नहीं लिए, ये आम फहम, और इनकी खसूसियत ये कही जाती है कि कम वर्ड्स में कैसे ये आयत को समझा देते हैं। लेकिन एक कमी है इसके अंदर, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के ताल्लुक से ये बात मशहूर है कि उन्होंने इंतकाल से पहले उसमें रुजू किया था, लेकिन इस तफसीर में मौजूद है कि उन्होंने मौजजात के अंदर बाज मौजजात का, क्योंकि वो सारे इंटेलेक्चुअल लोगों का जवाब दे रहे थे ना, आर्य समाज और कृष्ण एतराजा के जवाब, इस वजह से वो उसमें एक मिस्टेक में से उनकी शामिल की जाती कि उन्होंने मौजजात का उसमें इनकार किया है, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने उसमें रुजू किया, उन्होंने उसका रुजू उस ताल्लुक से साबित है। और बाकी इसके अंदर ये पूरी तफसीर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मौजजे का मौजूद जहां आएगा वहां पर आपको एहतियात रखना है, वहां पे जो सलफ का पोजीशन है, जो सलफ सालीन वो पोजीशन पे हम कायम है, और जो मौलाना अबुल कलाम आजाद उन्होंने खुद ही ये सिखाया कि हमें सलफ के तरीके पे रहना है। आगे इंग्लिश तर्जुमे तफसीर में हम देखते हैं कि सही इंटरनेशनल शॉर्ट तर्जुमा है, इसमें तफसीर हार्डली आसान इंग्लिश है, आर्केक इंग्लिश दी दाव वगैरह यूज नहीं किया गया, हार्डली एनी कॉमेंट्री, ये एक ऑप्शन है। एक और ऑप्शन नोबल कुरान, हाँ नोबल कुरान डिस्प्ले नहीं हो रहा है रोमन में बराबर, लेकिन नोबल कुरान इसके अंदर आपको भेजा जाएगा, ये दूसरी में जा रही है यहाँ पर नोबल कुरान। इसके अंदर आप ये देखें मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के नोबल कुरान की एक खसूसियत ये है कि इसके अंदर सही बुखारी के कोटेशन आए, लेकिन इसकी एक कमी ये है कि इसके अंदर ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा है, ब्रैकेट्स में तफसीर उन्होंने ब्रैकेट में ही डाल दिया है वहां पर एक्चुअली। तो बहुत जिस जमाने में यूसुफ अली के बाद में जो फर्स्ट ऑप्शन जो अवेलेबल हुआ था वो नोबल कुरान ही अवेलेबल हुआ था, तो यूसुफ अली के ट्रांसलेशन के बाद जिसमें कॉमेंट्री में बहुत प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया अब्दुल्ला यूसुफ अली के कॉमेंट्री में, उसके बाद में मोहम्मद मोहसिन खान का ट्रांसलेशन अवेलेबल हुआ था, लेकिन उसके बाद अभी सही इंटरनेशनल एक अच्छा ट्रांसलेशन है, मोहम्मद मोहसिन खान भी है, इसका शॉर्ट वर्जन 1 जिल्द में और 9 लॉन्ग वर्जन 9 वॉल्यूम्स में, जिसके अंदर सही बुखारी की हदीसों से तफसीर है, लेकिन कई बार वो हदीसों का समझना कनेक्शन एक मुश्किल बात होती है, ये तफसीर के एंगल से एक्सप्लेनेशन के एंगल से बहुत कम एक्सप्लेनेशन इसमें हदीस 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 से मेंशन होती है, ये तरीका उन्होंने अपनाया है एक्सप्लेनेशन का, लेकिन सबसे बेस्ट सोर्स तफसीर में कसीर, तफसीर में कसीर के बारे में बात कर चुका हूं। एक और सोर्स बहुत अच्छा है तफसीर असादी 10 वॉल्यूम्स में, समझा चुका हूं मैं, बता चुका हूं। एक और बेहतरीन सोर्स तफसीर अहसनुल बयान, अहसनुल बयान बेस्ट तफसीर 5 जिल्दों में, ये वो मुख्तसर है, वो उर्दू में 1 वॉल्यूम है, इंग्लिश में आई तो 5 वॉल्यूम्स बन गई, अभी तो डिटेल वर्जन आना बाकी है इसका। ओके हम आगे बढ़ते हैं कि तफसीर जलालैन भी इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन ये वर्ड मीनिंग्स ये उलमा के लिए आमतौर पर कही जाती है, वर्ड मीनिंग्स के लिए ठीक है, वर्ड मीनिंग्स जानने के लिए वेरी ब्रीफ टू द पॉइंट तफसीर है। तो ये चंद चीजें हैं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हिदायत का रास्ता भी है, गुमराही का रास्ता भी है, हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हम जिंदगी भर हक और सच्चाई को तलब करते रहें, उस पर चलते रहें, अल्लाह ताला हम सबको सच्चाई और हक जानकर उस पर चलने की हमें तौफीक दे। मेरे भाई मेरी बहनें, गुमराही के रास्ते बहुत सारे हैं, कुरान के नाम में भी गुमराही आएगी, हाँ कुरान के अंदर ही तो जिक्र है, यो दिल भी कसीर हो वो यहदी भी कसीर हो, कुरान की कई आयतों से ये बात आपको मिलेगी कि अल्लाह ताला इन चीजों के जरिए बास को गुमराह भी करता है और बास को हिदायत भी देता है। वो मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकून, और अल्लाह फासिकों के सिवा जो नाफरमान है उनके सिवा अल्लाह दूसरे जो सही लोग होते हैं ना उनको अल्लाह गुमराह नहीं होने देता। लेकिन जैसे डाउन ढलान है, अब ढलान है तो नीचे ही जाएगी ना गाड़ी, तो आप ऊपर जाओ, आप सही रास्ता लो, ऊपर का रास्ता लो, जन्नत की तरफ का रास्ता लो, आप अगर नीचे हो तो आपको ढलान में गाड़ी आपकी नीचे ही जाएगी, आप खुद गुमराह ही चाहोगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नुवल्ली ही मत, जो रास्ता उन्होंने चुना मैं उन्हें वही रास्ते पे पलटाऊंगा। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको हिदायत पे चलने वाला बना दे।